कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए रिपब्लिक बीपीएससी वाला को और करे अपने बीपीएससी एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड दी ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आनंद श्रीधरम आप सभी का रिपब्लिक बीपीएससी वाले में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही रिपब्लिक ऐप पर भी आपको बहुत बहुत स्वागत है। सामने जो दिख रहा है वह रिपब्लिका का ऐप खुला हुआ है। आप लोग अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जा करके रिपब्लिका ऐप को, सिंपल रिपब्लिका वहां पर है मिलेगा, रिपब्लिका ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे और उसमें ढेरों सारी चीज़ें बीपीएससी से संबंधित चीज़ें मिलेगी। उसी क्रम में आज हम लोग देख रहे हैं कि रिपब्लिका के ऐप पर एक टेस्ट सीरीज डाला हुआ है, बीपीएससी 6869 एंड बिहार पीटी एग्जाम्स टेस्ट सीरीज, यानी बिहार के से संबंधित और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, वह भी आपका कवर होगा। सीडीपी वगैरह है, बहुत सारे एग्जाम्स हैं और मुख्य रूप से बीपीएससी 6869 तो कवर हो ही रहा है। तो इसी में हम लोग कुछ टेस्ट पर बातें करेंगे। टेस्ट में जा करके हम लोग क्वेश्चन आंसर को करेंगे और उसमें कैसे क्या है उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। देखिए, इसमें लगभग 1100 से ऊपर टेस्ट है, ये जो टेस्ट सीरीज दिख रहा है, ठीक है, इसमें 1150 से ज़्यादा टेस्ट है और चैप्टर वाइज है, सब्जेक्ट वाइज है, फुल टेस्ट है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है, बीपीएससी का है, सीडीपीओ का है और भी बहुत सारे अन्य एग्जाम्स का है। तो 1150 टेस्ट विथ डिटेल्ड सॉल्यूशंस, ठीक है, तो काफ़ी फ्रूटफुल है। मतलब क्वेश्चंस को भी अगर आधार बना लिया जाए तो आपके 10,000 से ऊपर क्वेश्चंस की इसमें कवर हो जाएगा, तैयारी हो जाएगी और एक बहुत ही मतलब एक अच्छा खासा, एक सफिशियंट कह सकते हैं कि यह क्वेश्चंस होता है, इतने क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन के साथ आप कर लें, ठीक है। और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे आप देखेंगे कि 68 गढ़ है, बहुत सारा चीज़ है, उस पर अभी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। टेस्ट सीरीज को आइए हम लोग खोलते हैं। रिपब्लिका ऐप पर जो टेस्ट सीरीज है और वो भी केवल 600 में आपको दिया जा रहा है। मूल प्राइस 2400 है लेकिन 1/4 प्राइस में आपको दिया जा रहा है। तो आइए हम इसको क्लिक करते हैं, ऐसा ही आप भी वहाँ पर क्लिक करेंगे। देखिए ये आ गया। अब हम कंटेंट में जाते हैं, ठीक है। कंटेंट में आकर के जैसे यहाँ पर है सिविल सर्विस एग्जाम्स है, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम से इसमें ही मिलेगा, सिविल सर्विस एग्जाम से इसमें ही मिलेगा। तो अभी मैं सिविल सर्विस एग्जाम में जाता हूँ। यहाँ पर बीपीएससी एग्जाम में आते हैं हम लोग या फिर सीडीपीओ वाले में जा सकते हैं, बीपीएससी एग्जाम में आते हैं। बीपीएससी एग्जाम में आने के बाद देखिए कि इसमें है कि जैसे मैं इसमें जाता हूँ, इसमें जाता हूँ बीपीएससी। अब है कि इसमें सब्जेक्ट वाइज हम लोग चले जाते हैं, सब्जेक्ट वाइज में आ जाते हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। टेस्ट में जाने के बाद जनरल स्टडीज को ले लेते हैं या फिर न्यू जनरल स्टडीज को मान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें आप देखें कि ढेरों सारा अलग अलग चैप्टर बना करके दिया हुआ है, चाहे वह बिहार स्टेट हिस्ट्री हो, फिर ज्योग्राफी हो, कल्चर हो, नेशनल मूवमेंट हो, एंशेंट इंडियन हिस्ट्री हो। मान लीजिए एक हम ले लेते हैं, एक हम करके देखते हैं कि क्या है, जैसे आप लोगों के मोबाइल पर वो चीज़ें आएगी। मान लीजिए मैं इसमें जाता हूँ, ठीक है, टेस्ट में गया। और टेस्ट में एक बहुत ही अच्छी बात है कि इसमें आपको दोनों दोनों फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, दोनों फॉर्म में मिलेगा, मतलब मीडियम में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। यहाँ पर एक ही क्वेश्चंस को आप इंग्लिश हिंदी दोनों, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हिंदी आ गया तो हिंदी को हम क्लिक कर देंगे, हिंदी को हिंदी में आ गया, सेम चीज़ें हिंदी में आ गया, ठीक है, और सेम चीज़ें इंग्लिश में। तो अगर मान लीजिए कहीं भी प्रॉब्लम हो हिंदी वाले को तो इंग्लिश में जाकर देख सकते हैं, इंग्लिश वाले को प्रॉब्लम हो तो हिंदी में जाकर देख सकते हैं। सेम क्वेश्चंस है हिंदी और इंग्लिश में, सेम क्वेश्चंस है, ठीक है। मान लीजिए इसको थोड़ा सा मैं एक कर देता हूँ, इनलार्ज कर देता हूँ। तो एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और देखिए कि क्वेश्चंस का क्या आपको वहां पर सोल्यूशन मिलता है। भारत में पाषाण युग के संदर्भ में मिट्टी के बर्तन सबसे पहले कहाँ मिलते हैं, वह निम्न पुरापाषाण काल था या ऊपरी पुरापाषाण काल था, नव पाषाण काल था, मध्य पाषाण काल था या उपरोक्त में से कोई नहीं, जो कि बीपीएससी में ऑप्शन होता है। अब देखिए इसका
इसका आप क्या करेंगे, टेस्ट दे लेंगे, और टेस्ट देने के बाद आप इसका इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद क्या होगा कि आपको डिटेल में सबका सॉल्यूशन दिखेगा, डिटेल में, ठीक है। मान लीजिए हमारे यहाँ पर एडमिन पैनल है, इसलिए डायरेक्ट खुल जाएगा। व्यू सॉल्यूशन में हम जाते हैं। अब व्यू सॉल्यूशन में जा करके देखिए इस प्रश्न का उत्तर आ गया, ये आपको भी दिखेगा सबमिट करने के बाद, ठीक है। पाषाण युग के संदर्भ में मिट्टी का बर्तन सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो हम लोग जानते हैं कि यह नव पाषाण युग में मिलता है, ठीक है, क्योंकि चाक का आविष्कार हो गया था। अब इसी को हम लोग देखिए डिटेल में देखते हैं, की पॉइंट्स के रूप में देखते हैं। अब देखिए कि की पॉइंट्स के रूप में कितनी सारी चीजें डिटेल में दिया गया है। क्वेश्चंस एक बहाना है, क्वेश्चंस के माध्यम से हम चीजों को जानते हैं, ठीक है। यहां पर पर्पस यह नहीं कि आपका टेस्ट लेना है, नहीं, पर्पस है सीखना, उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चंस। चूंकि एंशिएंट हिस्ट्री को हमने खोला है, तो एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत वहीं पाषाण काल वगैरह से होता है, तो इसीलिए क्वेश्चन उसी क्रम में रखा गया है। तो देखिए नव पाषाण युग से संबंधित कितनी सारी चीजें यहाँ पर की पॉइंट्स के रूप में है कि नव पाषाण युग में मानव संस्कृति को एक नए पाषाण युग को संदर्भित करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इनलार्ज कर देता हूँ तो दिखेगा। भारतीय उपमहाद्वीप में यह लगभग 8000 ईसा पूर्व का है। इस युग की मुख्य विशेषता नए प्रकार की जमीन और पॉलिश किए गए पत्थर और औजार थे। इससे बसे हुए जीवन की शुरुआत हुई और गांव की बस्तियों का विकास हुआ। नवपाषाण संस्कृति में जो विशेषता थी, कृषि गतिविधियों की शुरुआत है, पशुओं का पालन है, नुकीली किनारे वाले पत्थरों के औजारों का बनाना और पॉलिश करना, और मिट्टी के बर्तनों को बनाना। तो इतनी सारी इसकी फीचर्स है, ये हम जान गए। अब है कि मनुष्य के सामाजिक आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है। पुनर्विकास परिवर्तन को दर्शाने के लिए नव पाषाण क्रांति शब्द का उपयोग किया जाता है। नव पाषाण काल के दौरान मिट्टी के बर्तन की जो खासियत थी उसके बारे में है कि कैसे खाने पकाने के लिए बर्तनों का प्रयोग होता था, ठीक है। उनकी मिट्टी के बर्तनों में काले जले हुए बर्तन, भूरे रंग के बर्तन, चटाई से प्रभावित बर्तन शामिल थे, ठीक है। फिर नवपाषाण काल के दौरान जो कृषि है उसके बारे में है कि कैसे नुकीली और पॉलिश की गई जो औजार थे, औजारों के उपयोग से मिट्टी की खेती करना आसान हो गया। पशुओं को पालतू बनाने की प्रथा भी थी और बसे हुए कृषि समुदायों का भी उदय हुआ। तो अब देखिए कि इसके माध्यम से, क्वेश्चंस के माध्यम से नव पाषाण काल की डिटेल में लगभग सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है कि भारत में इसकी शुरुआत कैसे 8000 ईसा पूर्व हुआ था, चक का आविष्कार हुआ, कैसे मतलब कृषि है, नुकीली औजार है, ठीक है, जिससे खेत वगैरह जोतने के रूप में भी काम आता। तो इस सारी डिटेल जानकारी आप इस क्वेश्चंस के माध्यम से आपको मिल जाता है। तो देखिए इसी ढंग से आपको सारा क्वेश्चंस मिलेगा जो कि काफ़ी काफ़ी फ्रूटफुल आपके लिए हो सकता है, ठीक है। अब ऐसे हजारों क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करना है। अब एक करके फिर आप मान लीजिए आप इसमें आप अगले क्वेश्चंस पर चले जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चंस पर यहाँ पर नेक्स्ट का प्रीवियस क्वेश्चंस है, नेक्स्ट क्वेश्चंस का ऑप्शन यहाँ पर छिप रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का है। तो इसी ढंग से नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अब इसी को इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में ही हम कर लेंगे। हरप्पा वासियों ने शिल्प उत्पादन के लिए लापिस लजुली कहाँ से प्राप्त करते थे, ठीक है। तो धोलावीरा से, शोरतुगाय से, लोथल से, नागेश्वर से, उपरित में से कोई नहीं। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। इसका उत्तर होगा शोरतुगाय से, और हरप्पा के लोग विभिन्न स्थानों से शिल्प उत्पादन के लिए सामग्री खरीदते थे। शोरतुगाय से दूर अफगानिस्तान में लैपिस लजूली जो एक नीला पत्थर ब्लू स्टोन था खरीदा जाता था, और हरप्पा वासियों ने नागेश्वर और बालाकोट जैसे बस्तियों को उन क्षेत्रों में स्थापित किया जहां सीप उपलब्ध थे। लोथल से कारेलियन का एक बड़ा स्रोत था। पत्थर और धातु राजस्थान से मंगवाए जाते थे।
ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पावासियों ने शिल्प उत्पादन के लिए लैपिस लाजुली की खरीद अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान में है सुरतुगाय, तो वहां से करते थे। तो देखिए कि डिटेल में क्वेश्चन भी थोड़ा सा आपको हट करके मिल रहा है, थोड़ी सी इसी नहीं कि केवल केवल घिसी पिटी टाइप के क्वेश्चंस, क्वेश्चंस में एक इनोवेटिव क्वेश्चंस, नया क्वेश्चंस भी आपको दिख रहा है, और केवल क्वेश्चंस नहीं, क्वेश्चंस के माध्यम से क्या है उसका डिटेल में एक सॉल्यूशन आपको दिख रहा है, ये बहुत ही अच्छी बातें हैं। अब इसी ढंग से एक और क्वेश्चन आप ले लीजिए, मैं केवल नमूना दिखा रहा हूँ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मोहन जोदड़ो में नहीं पाया था, क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री का स्टार्टिंग पार्ट हमने लिया है, इसलिए ये सारा क्वेश्चन स्टार्टिंग चैप्टर से आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन मोहन जोदड़ो में नहीं पाया गया था, मेसोपोटामिया की मुहर, अग्निवेदियां, बृहत स्नानागार, विशाल कोष्ठागार, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए हम लोग डायरेक्ट इसके सोल्यूशन पर आते हैं, जो कि आपको भी दिखेगा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद। तो हम लोग जानते हैं कि मोहनजोदड़ो में मोहर पाया जाता था, बृहत स्नानागार तो था ही, विशाल कोष्ठागार जो था वह भी था, तो एक ऑप्शन बच जाता है अग्निवेदियां का, तो वैसे भी कर सकते हैं। तो डिटेल में इसका हम लोग देखें कि मोहनजोदड़ो के बारे में है कि मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक था, दो वर्गों दुर्ग और निचला शहर में विहारित किया गया था, बृहत स्नानागार दुर्ग में पाया गया, जहां एक आयताकार जलाशय जिसका उपयोग अनुष्ठानिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था, बृहत स्नानागार के साथ विशाल कोष्ठागार भी मोहनजोदड़ो में मौजूद था, इसमें भी हड़प्पा में भी था, मेसोपोटामिया की मुहर फियोंस के लघु चित्र पात्र भी उस क्षेत्र में पाए गए हैं, अतः हम कह सकते हैं कि अग्निवेदियां मोहनजोदड़ो में नहीं पाई गई थी। डिटेल में आपकी सारी सॉल्यूशन मिल जाता है। लोथर और कालीबंगा में अग्निवेदियां मिली है। अब कई क्वेश्चन में की पॉइंट है, ठीक है, और की पॉइंट्स के साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में जो अन्य ये हैं ऑप्शंस हैं उसके बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन में डाला गया है, ठीक है। इसमें तो कम है, लेकिन अधिकांश क्वेश्चंस में काफी डिटेल में एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिया गया है। सोचिए कि कितना आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है। टेस्ट सीरीज के साथ आप जाते हैं, निश्चित रूप से ये ऑनलाइन आपको अवेलेबल होगा, क्योंकि ऑफलाइन में आकर के इतने सारे क्वेश्चंस को आप डेली 10-20 क्वेश्चंस आप बनाएंगे, सेट बनाएंगे, तब जाकर के 1150 टेस्ट आप क्या कर सकते हैं, 2 महीना में समाप्त कर सकते हैं। तो यह ऑफलाइन तो आकर के पॉसिबल नहीं है, हालांकि जो लोग भी ऑफलाइन आप चाहेंगे तो आप आइए रिपब्लिका के ऑफिस में, बोरिंग रोड ऑफिस में, और लेकिन ऑनलाइन ये सारी चीज़ें आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में ये अवेलेबल होगा, ठीक है। तो इसी ढंग से ये तो नमूना हो गया, हिस्ट्री का कुछ है, इसी ढंग से सारे सब्जेक्ट्स का आपको मिलेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से चलिए एक और मैं ले लेता हूं। निम्नलिखित में से किस वेद में यज्ञ के समय पालन किए जाने वाले नियमों के विभिन्न विवरण हैं, ठीक है। यज्ञ का पालन किए जाने वाले नियम का वर्णन कहां किया गया है, ऋग्वेद में किया गया है, या यजुर्वेद में किया गया है, सामवेद में किया गया है, या अथर्ववेद में किया गया है, बताइए आप लोग कहां होगा, ठीक है। ये सारी चीजें यजुर्वेद का पाठ है, जहां पर नियम कायदे कानून की बातें यजुर्वेद में इन सारी चीजों का वर्णन है। तो वैदिक साहित्य में 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्, साम और अथर्व, ठीक है। ऋग्वेद 4 वेदों में सबसे पुराना है, इसमें 1028 सूक्त है, विभिन्न देवताओं की स्तुति में भजन गाए गए हैं। यजुर्वेद में यज्ञ के समय पालन किए जाने वाले नियमों का विभिन्न विवरण है, अतः 2 विकल्प सही हो। देखिए इसमें होता क्या है कि केवल जो चैप्टर आप पढ़ते हैं तो उस समय में आपको एक क्लियरिटी नहीं होती है कि किस टाइप का प्रश्न आ सकता है, लेकिन यहां पर क्या है कि क्वेश्चंस के माध्यम से एक बार तो आप चीजों को पढ़ ही चुके होते हैं, एक बार के कई बार आप 5वीं-6वीं क्लास से ही हिस्ट्री है या ज्योग्राफी है सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, तो आपके लिए वो चैप्टर, वह टॉपिक कोई नया नहीं होता है, ठीक है। लेकिन वहां से क्वेश्चंस क्या बन सकता है, अब जैसे यही बातें हैं कि यज्ञ के नियमों का पालन कैसे किया जाए, या पालन से संबंधित नियम आदि किस वेद का पाठ है,
ठीक है, तो संभवतः ये चीजें आपके दिमाग में आई हो नहीं आई हो, लेकिन क्वेश्चंस आप करेंगे, हो सकता है उसका उत्तर आप गलत कर लें, ऋग्वेद मार लें, ठीक है। जैसे हम लोग सामवेद है, इसमें गीतों का संकलन है, ऋग्वेद है, इसमें देवताओं की स्तुति इसमें की गई है, यजुर्वेद है, उसमें इस प्रकार के नियम निष्ठा से संबंधित चीजें हैं, ठीक है। तो अब तक दिमाग में नहीं आई थी, लेकिन इस क्वेश्चंस के माध्यम से डिटेल में हम जान गए कि नहीं, यजुर्वेद में इस प्रकार के नियमों की चर्चा है, ठीक है। इस ढंग से मान लीजिए एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो वेद शब्द कैसे वेद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना होता है, वेद शब्द श्रेष्ठ ज्ञान का प्रतीक है, वेदों के अलावा ब्राह्मण उपनिषद आरण्यक और महाकाव्य रामायण महाभारत जैसे अन्य पवित्र ग्रंथ हैं, ब्राह्मण प्रार्थना और बलिदान समारोह से संबंधित ग्रंथ है, उपनिषद क्या है, दार्शनिक ग्रंथ है, आरण्यक को वन ग्रंथ कहा जाता है क्योंकि इसमें रहस्यवाद संस्कार अनुष्ठान बलिदान से संबंधित चीजें हैं, और रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे, महाभारत के रचयिता वेद व्यास थे। तो इसमें जो विकल्प है उस विकल्प के बारे में भी आपको चीजें दी गई है, साथ ही बहुत सारा एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिया गया है, तो डिटेल सॉल्यूशन है जिसका आपको प्रॉपर अध्ययन करना होगा। इसका उद्देश्य केवल टेस्ट सीरीज लगाना नहीं है, ठीक है, केवल टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं इसको, उससे कितना फायदा हुआ नहीं, मतलब टेस्ट को एक माध्यम बनाना है और हर एक चैप्टर से संबंधित जो टेस्ट है उसमें जा करके आप उस टेस्ट को करेंगे, ताकि पता चले कि पर्टिकुलर किसी को चैप्टर से सब पर्टिकुलर सब्जेक्ट से चैप्टर से क्या क्या प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो जैसे ये आर्यों के आगमन वाला चैप्टर है, ठीक है, इससे पहले हमने क्वेश्चन देखा हड़प्पा संस्कृति के से संबंधित प्रश्न था, ठीक है, पाषाण काल से संबंधित पहला प्रश्न लिया था। तो इस ढंग से आप देखें कि एक टोटलिटी में चीजें आपकी यहाँ पर है, और इसी टाइप से ढेरों सारा क्वेश्चंस आपको मिलता जाएगा। मैं काफी इनलार्ज कर देता हूं, इसलिए एक दूसरा क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं। देखिए कितनी मजेदार क्वेश्चन है, मलच्छ शब्द की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में हुई थी, जिसका संबंध है, मलच्छ का संबंध किससे है, विदेशी मूल के लोग से है, या व्यापारी समाज से है, या फिर राजा के लिए जासूस करने वालों से है, या घोड़े की रथ से है। आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, को अटेम्प्ट करने के बाद आपको सॉल्यूशन मिलेगा, जिसमें सही आंसर क्या है आपको बताया जाएगा, ठीक है, और इसमें डिटेल सॉल्यूशन। जैसे मलच्छ शब्द का प्रयोग, हालांकि मलच्छ शब्द थोड़ा सा एक डेरोगेटिव वर्ड लगता है, ठीक है, लेकिन मलिक शब्द उस समय में विदेशी जो मूल के लोग थे उनके लिए किया जाता था, ठीक है। जैसे मलिक्ष का इस्तेमाल प्राचीन भारतीयों द्वारा मूल रूप से विदेशियों के मुंह से और समझ से बाहर भाषण को इंगित करने के लिए किया गया था। अशुद्ध असभ्य और या निम्न लोगों के अर्थ में भी अपमानजनक शब्दों के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे अभी इसका यही अर्थ मुख्य रूप से अशुद्ध असभ्य के रूप में जाना जाता है। बाद के वैदिक युग में आर्य सप्त सिंधु क्षेत्र से गंगा यमुना द्वाब और इसके किनारे के प्रदेशों में चले गए, आर्यावर्त से बाहर के लोगों को मलच्छ कहा जाता था। दूसरे शब्दों में मलच्छ का तात्पर्य विदेशी मूल के लोगों से भी है। इस शब्द का प्रयोग अशुद्ध बर्बर लोगों के लिए किया जाता था, जो आर्यों के भाषण और रीति रिवाज से परिचित नहीं थे, ठीक है। इसी ढंग से आप देखेंगे मलच्छ के रूप में कोई विदेशी जाति व्यवस्था और कर्मकांड के माहौल से पूरी तरह बाहर था, यानी आपके सिस्टम के बाहर के का वह व्यक्ति होता था, समुदाय होता था। तो इस ढंग से मलच्छ शब्द का है। तो देखिए डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन, एक वर्ड मलच्छ के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन, और इस ढंग से हर एक क्वेश्चंस में आपको मिलता है, तो एक काफी फ्रूटफुल है। इसी ढंग से अभी तो हमने एक छोटा सा पार्ट एंशिएंट हिस्ट्री का लिया है, फिर मेडिवल है, मॉडर्न है, पॉलिटी है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, करंट है, बिहार स्पेशल है, हर एक पर ऐसे हजारों क्वेश्चंस आपको दिया गया है। क्वेश्चंस
क्वेश्चंस भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, कुछ नया क्वेश्चंस मिलेगा, प्रायः नया क्वेश्चंस मिलेगा और उसका डिटेल में सॉल्यूशन है, फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है उससे संबंधित, उससे रिलेटेड, तो एक बहुत ही अच्छा माध्यम हो सकता है। तो सर्टेनली आप लोग जो लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इवन कि और भी किसी अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस कोर्स को जरूर आप वो कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। फी के नाम पर केवल एक रजिस्ट्रेशन चार्ज के रूप में 600 रुपीज इसमें लिया जा रहा है। अब इसमें 600 में देखिए कि 1150 से ऊपर टेस्ट है, अब कितनी आश्चर्यजनक बातें हैं, उसको एक माध्यम बनाना है बिल्कुल ही पिन पॉइंट पर, जहां से प्रश्न आ रहा है, आ सकता है, क्वेश्चन टेस्ट को माध्यम बना करके आपको उसके बारे में डिटेल्स जाननी है, ठीक है। बहुत सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस को भी इसमें लिया गया है, तो प्रायः क्वेश्चन रिपीटेड भी होता है या उससे संबंधित होता है, उसके रेंज, उस रेंज में जाकर के क्वेश्चन बनाया जाता है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कोई भी एग्जाम। सो ऐसा नहीं है कि मतलब बीपीएससी केवल बीपीएससी अपना ही नकल करती है, नहीं, वह किसी भी बिहार एसएससी हो या फिर सेंट्रल एसएससी हो, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, राजस्थान पीसीएस हो, कोई भी स्टेट पीसीएस हो या कोई अन्य इम्पॉर्टेंट एग्जाम हो, वहाँ से प्रश्न को ले लिया जाता है, ठीक है। तो इस ढंग से आप इसको माध्यम बनाइए और सर्टेनली आपके लिए काफ़ी काफ़ी फ्रूटफुल होगा, ठीक है। इसको आप माध्यम बना सकते हैं, डिटेल में आप देखिए, एक बार मैं फिर से पीछे जा रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक करके खुलता जाएगा। इस सारी चीज़ें आपके मोबाइल में अवेलेबल होगा, ठीक है। तो इस कोर्स को आप लोग परचेज जरूर कर लेंगे, सर्टेनली कीजिए, बहुत ही फायदेमंद है। और ये बहुत सारे कोर्स रिपब्लिका के ऐप पर है, जैसे 67वीं बीपीएससी मेंस के लिए है, फिर 68-69 फाउंडेशन बैच है, इसका भी फी काफ़ी कम रखा गया।